हे हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज तनुज भी आ रखा है, ये 2-3 दिन तक गायब था। ठीक है, एक चीज बेचारे के साथ हादसा हो चुका है, इसका फ़ोन टूट चुका है। मैं बिना फ़ोन के मेरा फ़ोन नहीं है। तो ये बताया क्या कर रहा है कि ना लैपटॉप में खोल के वीडियोज देख रहा है, मतलब इंडियन जुगाड़। तो चलते हैं फिलहाल, अभी हमने जाना है हल्द्वानी। हल्द्वानी से मैंने बैग उठाना है और उसके बाद वापस आना है, फिर मैंने सामान पैक करना है। ठीक है, हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो काफ़ी दिन बाद देखने को मिली है अपनी सुपर बाइक, चले फिर हेलमेट लेके। गाइस हम लोग निकल चुके हैं अभी हल्द्वानी की तरफ। गाइस बेसिकली हम इसे पता क्यों जा रहे हैं हल्द्वानी, क्योंकि हम बाहर से ट्रिप जो हमारा था दौराहाट का, वो भी 1 महीने पहले कंप्लीट हो चुका है। वो हम 1 महीने के बाद वापस आ चुके हैं, लेकिन हमारा बैग वहीं है। तो ठीक है, मैं तो बैग लेने जा रहा हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ गई है अभी। और एक चीज़ और है दूसरी, लेकिन वो अभी रास्ते में बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, चेतन की नई ट्रिप आ रही है और मैं बहुत सही हूँ। मेरी नई ट्रिप आ रही है, पता इस बार ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है अभी बताता हूँ। हम लोग घर से आ चुके हैं और ये देखो अब पीछे बैग आ चुका है। अभी हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि हमें देर हो रही है। मैं वजह से हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं, ज़्यादा कुछ हमने करा नहीं घर पे, हमने सामान उठाया, हम सीधे सीधे आते रहे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं तनु के घर, और तनु के घर से मैंने एक दो सामान लेना है। हेलो अमित, ये क्या चल रहा है? पानी लगाने इसी को बोलते बिल्ली। आंटी प्रणाम। तो हमने तनुज के घर से लेना था लैपटॉप, वो हमने ले लिया है। और अब सीधे मेरे घर पे, वहाँ सामान पैक करते हैं। उसके अंदर मेरे को वेट करना है शुभम मामा का, वो आ रहे हैं, फिर उनके साथ हम लोग आगे को निकलेंगे। बाय बाय। जोर से बोलो जय बोले। तो आप थोड़ा बहुत अगर आप समझ गए होगे हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो फिर इस बार की जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला है। ये नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा काम आ गया, क्योंकि दीदी को छोड़ने जाना है दिल्ली, तो इस वजह से ये नहीं आ पाएगा। इस बार सिर्फ मैं अकेला रहूँगा, लेकिन मेरे साथ में सुबह मामा रहेंगे। सुबह मामा अगर आप लोग नहीं जानते हैं, मेरे पिछले 3-4 ब्लॉग आप देख सकते हैं, मैं आपको देख लेंगे। तो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे उसको पता होगा। अभी फिलहाल रामनगर में चलते हैं, उनका फोन भी आने वाला है, वो भी पहुँचने वाले रामनगर। फिर यहाँ से हमने जाना है काशीपुर, काशीपुर से हम लोग निकलेंगे आगे। फिर हम लोग रामनगर पहुँच चुके हैं अभी, और फिलहाल अब हम लोग वेट कर रहे हैं अब शुभम मामा का। वो कहाँ पर पहुँचे हैं, शायद उनका फ़ोन तो नेटवर्क एरिया से बाहर आ रहा, तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर। आ गए हमारे मामा जी, चले फिर के फोन दे रहे हैं। ठीक है ब्रो, बाय बाय। ठीक है, ओके भाई, हैप्पी जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। नेक्स्ट अगली ट्रिप में मिलते हैं। यार तो इतने गड्ढे हैं दबा के, रास्ता तो बहुत ही खराब है वाला, रानी गेट वाला जो इस वाले रास्ते से आए हो। तो हम लोग निकल रहे हैं सीधे काशीपुर की, और आपसे बात करेंगे हम सीधे काशीपुर में, क्योंकि सुन लगे फोन पे फोन आ रहे हैं, तो सीधे काशीपुर में बात करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं काशीपुर, और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं सोनूदा के घर की ओर। तो हम सात समुंदर पार करके अब जा रहे हैं सोनूदा के घर की। ये देखिए सामान पहले से पैक करके रखे हुए हैं, सामान पहले से पैक है इनका। बोले बोले हेलो बोले। ये तो लड़कियों वाला है यार, ये ऐसे कैसा लुक ले लिया यार आपने, मजा नहीं आ रहा है। मैंने चाबी दे रखी है। सुंदर आपकी विदाई हो रही है, फिर आपको कैसा लग रहा है? ये क्या है? अरे ये नेग शगुन कहते हैं इसको, शगुन। इसको शगुन कहते हैं। बोले क्या ये अंदर क्यों डाल रहे हो, बाहर निकालो आप तो बोले हो।
बचपन से भूले हो। चले फिर यहीं से चलूं। बाय बाय। हमारी हो चुकी है विदाई। अब हम लोग जा रहे हैं सीधे इधर को। हमें ये भी नहीं पता था कि ऐसे विदाई भी होती है, ठीक है। हमने माला पहन रखी है जो फिलहाल अभी इसके अंदर है, और एक माला उनके पास है, एक माला इनके पास है। सोनू की बहनों ने उसे पैसे दिए। वही तो सोनू दा की विदाई करी है ना। ये है मंदिर जहाँ सोनूदा जल उठा के फिर वापस आएंगे। ये है यहाँ का मंदिर। ये है भोले के मंदिर। यहीं जल चढ़ाओगे ना आप? हाँ मैं यहीं जल चढ़ाऊंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से दर्शन करके। ये महामोटेश्वर महादेव का मंदिर है। महामोटेश्वर महादेव मंदिर ना। और ये बाला सुंदरी मैया का मंदिर है। ये बाला सुंदरी चैती मेला जिसका लगता है विख्यात। अच्छा, ये इधर है, ये सबसे बाला सुंदरी। तो चलो फिर दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो आगे आगे हमारे भोले चल रहे हैं, ये जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने। तो ये है मंदिर, काफ़ी सुंदर मंदिर है। हमारे भोले, जय भोले, जय भोले की। सच में बहुत सुंदर मंदिर था, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया अंदर। और मतलब अंदर जो प्रतिमा बना रखी है ना, काफ़ी अच्छी बना रखी है, बिल्कुल मज़ा आ गया अंदर से मंदिर को देख के। एक जो फीलिंग आई थी ना, केदारनाथ जैसी वाली फीलिंग आ रही थी, वहाँ भी सेम ऐसी शिला है। चले फिर बोले, लेट्स गो। हमारी यहाँ से ऑफिशियल यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। अब हम जाएंगे हरिद्वार कांवड़ उठाने। और कुछ बोले यहाँ पर बैठे हुए हम देख रहे हैं, ये कुछ बोले हैं, ये कांवड़ लेके तैयार हैं, ये लोग भी निकलेंगे अब। तो भाई शाम के बज रहे हैं 5 और सोनूदा आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग इधर पर चल रहे हैं अभी। और हम लोग का अगला स्टॉप होगा सीधे हरिद्वार। बीच में रुकेंगे तो सिर्फ चाय के लिए रुकेंगे, सबसे ज़्यादा हमने कहीं पर स्टॉप नहीं लेना है, क्योंकि शाम भी हो चुकी है, हमने टाइम से पहुँचा भी हरिद्वार अभी। तो आ भी गए, लेट कर दी थी, सोनू ने पहले नहीं बताया। नहीं नहीं, ये दूर वाले होंगे ना, तो रास्ते में कुछ आवड़ी हमें मिल चुके हैं, शायद ये बहुत दूर वाले हैं, शायद ये पहाड़ वाले हैं या फिर कुछ ऐसा है, या फिर प्लेन्स वाले होंगे इधर नीचे की साइड। अपने अपने टाइम के हिसाब से हर कोई चलता है, अपने अपने जो इनका डिस्टेंस होता है उस हिसाब से चलता है। फिलहाल हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है और ये हमारा पहला स्टॉप होगा। फिलहाल हम लोग चाय पी रहे हैं इधर पर, चाय भी आ गई। ये देखो ये हमारा सेकंड स्टॉप है, अभी फिलहाल हम लोग खाना खाने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रैवल हो रहा है और हरिद्वार यहाँ से ऑलमोस्ट फ्री भी होगा तो 50 किलोमीटर दूर होगा, तो छोटा बहुत टाइम बचा हुआ है, फटाफट खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमें हरिद्वार पहुँचना है, फिर कल हमारी पूरी तैयारी करनी है, थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा, फटाफट चल लेते हैं। के सब भूखे हैं, देखो सबके सब भूखे हैं। मामा भूख लग रही बढ़िया वाली, ये तो पूरे भूखे चल रहे हैं, बिना प्यास ही चलेगा अब तो। और ये बाकी कवाड़ी कुछ ये आ रखे हैं नहीं। अपना डिनर तो हो चुका है, चल रहे हैं आगे को, चले। अभी अभी कुछ कांवड़िए आए हैं, ये कांवड़ लेके आ रहे हैं, कांवड़ लेने जा रहे हैं, तो चलो फिर चलते हैं आगे को, जर्नी पूरी करते हैं अपनी। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दूर होंगे हरिद्वार से, और आगे पूरा जाम लगा हुआ है, पूरा पीछे तक लगा हुआ है। लगातार ड्राइविंग चल रही है, कैसा लग रहा है? धूल ही धूल हो रही है रास्ते में, तो
बहुत ही गंदी धूल हो रही है रास्ते में। अभी आगे एक ट्रक फंसा हुआ है और बाकी आपको पता ही है इंडिया है तो रॉन्ग लेन में तो लोग चलेंगे ही, तो आगे पूरा रास्ता घेर रखा है। हम लोग फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ये हरिद्वार का पुल है जो हमने क्रॉस करना है और फिर हम हरिद्वार में एंट्री ले चुके होंगे। हम हरिद्वार में पहुंच चुके हैं, ये हमारी हरिद्वार की एंट्री हो चुकी है। तो फाइनली अब हम लोग कावड़ लेने जाएंगे। कल रात के बज रहे हैं 12, फिलहाल हम लोगों ने एंट्री ले लिया हरिद्वार में, तो अब फिलहाल एक रूम ढूंढ लेते हैं। फाइनली हमें रूम भी मिल चुका है, अब हम रूम पे जाएंगे और थोड़ी देर में आराम करेंगे। फिर थोड़ी देर में पीछे से और लोग आने वाले हैं तो वो लोग भी आएंगे। कैसा लगा आपको हमारा 5-स्टार रूम? मस्त है। तो चलो यार सीधे सो जाते हैं, अब बहुत थक चुके हैं। बाय बाय, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह के बजे ऑलमोस्ट 7:30 पौने आठ बज चुका है। तो ये हमारी आज की पहली चाय और फिलहाल हम चाय पी के फिर निकलते हैं सीधे। अभी सोमदा के लिए कावड़ उठानी है, सजानी भी है वो, तो वो सजाएगी, उसको सजाना भी पड़ेगा। उसके बाद फिर हम हर की पौड़ी जाएंगे, फिर वहाँ जाके फिर जो भी प्रोसेस है वो बची है वो करेंगे। अब हम लोग निकल चुके हैं सीधे हर की पौड़ी की तरफ। सोनना तो पता नहीं क्या ढूंढने में लगे पड़े हैं। सोनना क्या ढूंढ रहे हो? फिर अभी एक कांवड़ लेनी है, फिर उसको सजाना है। सजाओगे ना? और यहाँ से हमारी बोलचाल की भाषा भी बदल जाएगी पूरी, अब सब भोले हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जो 3-4 एक वर्ड हैं वो सब चेंज हो जाएंगे, वो हम आपको रस्ते में बताएंगे। वह सजी सजाई कावड़ी है और नहीं क्या? तो वही ये कुछ कावड़ है जो सजी सजाई मिलती है और कुछ ऐसी मिलती है जिसको आप सजाना पड़ता है। तो आपकी चॉइस, आप सजी भी लो या फिर आप बिना सजी भी लो। लोगे क्या अब? घुंगरू डब्बे घुंगरू यार। जय बोले जय बोले।